सही नहीं थे दोनों हाथ। मजदूर के बेटे ने पैर से कॉपी में लिखी अपनी किस्मत, हौसले से हासिल किया मुकाम। आपको बता दें 12वीं में आया 82% नंबर। आपको बता दें खाने से लेकर नियति क्रिया तक के सारे काम पैर से ही करता है यह दिव्यांग। छात्र बोला, परिवार मुश्किल में है, कलर की नौकरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दोनों हाथ माँ के कोख में ही गल गया। तो मऊगंज तहसील के कृष्ण कुमार ने अपने पैरों को हाथ ही बना लिया। 12वीं की परीक्षा में 82% से अधिक अंक अर्जित करके सबको चकित कर दिया है। और कृष्ण कुमार के बुलंद हौसले के आगे मजदूर पिता की गरीबी भी आड़ नहीं आई। पढ़ाई के लिए हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचने वाला इस होनहार छात्र ने प्रकृति को मात देकर उत्कृष्ट विद्यालय मऊगंज के टॉप 10 छात्र में जगह बनाई है। पर गरीबी इसने इस कदर देखी है कि वह कलर की नौकरी करके परिवार वालों की मदद करना चाहता है। कभी कृष्ण कुमार के दिव्यगता पर आंसू बहाने वाले परिवार अब उसकी उपलब्धियों पर गदगद हैं। दरअसल कृष्ण कुमार के दोनों हाथ जन्म से ही नहीं थे, अपने 3 भाई और 4 बहनों बीच में न केवल ये चलना सीखा बल्कि पढ़ाई में भी मन लगाया। बचपन में ही पैर से सारे काम करने का हुनर खुद ही विकसित किया। मजबूत इरादे और बुलंद हौसलों से वह मुकाम हासिल किया। जो हाथ वाले कभी ना कर पाए वह कक्षा 1 से 12 तक की परीक्षा कृष्ण कुमार ने पैरों से लिख उत्तीर्ण की है। तो आइए सुनते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में कि कैसे कृष्ण कुमार अपने पैर से कॉपी लिखकर कृष्ण कुमार ने 82% अंक अर्जित किए। अच्छा, किसकी प्रेरणा मिली आप? माता पिता को। केवट है, कल हमारा रिजल्ट आया है 27 तारीख को 82%, और हमारे स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर स्तरीय विद्यालय मऊगंज, जिला रीवा मध्य प्रदेश, थाना मऊगंज, तहसील मऊगंज। और हम गरीबी के कारण नहीं आगे तक पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, आपके दोनों हाथ नहीं हैं, तब कैसे आप लिखते हैं? पैर से लिखते हैं, बचपन से हाथ हमारे नहीं। क्या बनना चाहते हैं आप? बाबू बनना चाहते हैं। किस विभाग में? शिक्षा विभाग में। कुमार केवट है जी। किस विद्यालय में आप पढ़ते थे? शासकीय उच्चतर स्तरीय विद्यालय मऊगंज। अच्छा, आपके दोनों हाथ नहीं, कब से है? बहुत बचपन से है। और आप मतलब कल कितना आपका अंक आया और क्या बनना चाहते हैं पूरा बताइए। 82% आया है, अभी सोच रहे हैं कि बाबू बनने। बाबू बने जी। अच्छा, किसकी प्रेरणा से ऐसा? ये सब माँ बाप को। हमारे वो दुकान से हुई है, जो लोग हमारे जो थे भाई लोग वही हमारी सहायता करते थे, कॉपी किताब दे देते थे, जितनी दार जरूरत पड़ती थी तो दे देते थे, जाते थे यहाँ से फ्री में कॉपी देते थे जी। अशोक बुक डिपो के हैं मऊगंज, और आर के बदर थे यहाँ। स्कूल कैसे जाते थे? पैदल जाते थे, पैदल आते भी थे। कब से कॉपी किताब वो लोग दे रहे हैं? जब से वहाँ मऊगंज में पढ़ने लगे हैं। तो सब फ्री में मिलती थी।